वो ही काम के लिए आज भी आ रहा हूँ। आज हाय गाइस, एनएस ब्लॉग से साजमाल। आज मैं बैंक पे हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। पहले भी बैंक पे आया था, किस लिए आया था वो वीडियो में बताया आपको। सेम वही काम के लिए आज भी आ रहा हूँ। आज डेढ़ महीने के करीब हो गया, डेढ़ महीना दो महीना, फिर भी वो काम अभी तक हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। तो आप बताओ, ऐसा लेजी काम करेगा तो कैसे चलेगा? अपना काम बम छोड़ के आके खाली बैंक पे आके बाहर आ गए। तो गाइस आज भी आया, आज भी एक फॉर्म भर के दिया। पता नहीं वो कितना तेजी तक खींच के लेके जाएगा, पता नहीं धक्का धक्का के लेके जाएगा, पता नहीं। तो गाइस मैं एक ही बात बोलूँ, पैसा कमाओ जेब में रखो, बैंक में छोड़ो यार। मैं तो नहीं रखेगा बैंक में पैसा। तो गाइस क्रोमा मॉल देख सकते हो, कितना खूबसूरत और बड़ा बनाया, अंदर और खूबसूरत है। यहीं से मैंने मोबाइल लिया था, जो मोबाइल से मैंने वीडियो बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो गाइस आप भी आ सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल यहाँ पे, मोबाइल का फैसिलिटी ज़्यादा है, मैं दम से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो गाइस ये रोड के बाजू में ही मॉल है, ये मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए रास्ता कचरा दिख रहा है और छोटा दिख रहा है। तो गाइस आप बने रहो वीडियो पे। गाइस जो मैं बात बताने वाला हूँ शायद आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोग सुन लो। जैसे कि मुझे अपना पैसा जेब में रखना है, जेब में रखो, बॉक्स में रखो, कहीं भी रखो, ठीक है। जब चाहे तब खर्चा कर सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ ही नहीं है। टाइम भी नहीं लगता, 5-6 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट निकालते हो। बैंक में रखो 10 से 15 मिनट तो यूँ ही जाता है, और ऊपर से लाइन लगाओ, ये करो वो करो, बहुत सारा प्रॉब्लम है ना। तो मेरा हिसाब से बैंक में रखना अच्छा है, कि मतलब मेरा हिसाब से बैंक में रखना अच्छी बात नहीं है। मैं तो भाई अभी पैसा अपना जेब में रखूँगा, जो भी है। जेब में जगह नहीं है तो बॉक्स बना लूँगा, इतना बड़ा सा है कि उधर ही रखूँगा। आप लोग कहाँ पे रखना पसंद करोगे आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेना। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है आज बता रहा हूँ आपको, हंसी भी आ रहा है, टेंशन भी होता है, गुस्सा भी आता है। दो महीना से घूम रहा हूँ, दो महीना से एक अकाउंट के काम पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ वहाँ घुमाते रहता है। एक ही फॉर्म बार बार बोलता है ये कर दो, बोलता है एक ही फॉर्म बार बार लेके आते हैं, बोलते इसको फॉर्म फिलअप कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ऐसा करते करते दिन निकल जाता है, सब निकल जाता है। आज भी गया, सेम फॉर्म मुझे भरने दिया सेम। तो मैं बोला सर ये तो पहले भी भर चुका हूँ मैं, बोलते वो अलग था। अब कौन सा अलग था, मैं देख रहा हूँ वही अकाउंट है, वही फॉर्म है, क्या बताऊँ। तो आगे फिर और बताएंगे, आप बने रहो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि गाइस एक बात को ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल एक बात को ठीक से एकदम माइंड लगा के ध्यान दो। मैंने तो ध्यान दिया और वही चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप ध्यान दो कि जैसे कि आप पैसा रखने जाते हो बैंक में खुद, जब आप खुद पैसा बैंक में रखने जाते हो तब आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म ले लो और सिर्फ एक नाम डाल दो फॉर्म में, और पैसा कितना वो डाल के रख के आओ। वो डायरेक्ट खाली देखेंगे पैसा कितना है और नाम क्या है, वो देख के स्टाम्प मार के रख देंगे, रख के बोले जाओ तुम्हारा पैसा अकाउंट में डिपोजिट हो गया। ये होता है जब पैसा आप रखने जाओगे बैंक में तब, और फिर जब खुद वही पैसे जब आप उठाने जाओगे तब क्या होता है पता है, उसका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, रूम नंबर कितना है, फ्लैट नंबर कितना है, फिर कितना पैसा उठाना है। ज़्यादा अगर उठाने जाओगे तो बोलता है कि क्या करोगे इतना पैसा से। हाँ सर सवाल पूछते हैं क्यों ऐसा, मैं आगे बताता हूँ, आप बने रहो वीडियो पे। तो ऐसा क्यों करता है पता है, क्योंकि जब आप खुद बैंक में पैसा रखने जाओगे वो पैसा पूरा आपका ही होता है, अकेला नुकसान हो गया तो आपका खुद का अकेला होगा, तो इसलिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जब बैंक से पैसा आपको देने को रहता है तब वो नुकसान अगर 1 रुपया हो गया तो सबको भरना पड़ता है, तो इसलिए बैंक वाला सोच समझ के देते हैं। 1 रुपया आपको कम भी नहीं देगा, ज़्यादा भी नहीं देगा। और आप जब बैंक में पैसा रखने जाओगे तब आप कम दोगे तो नहीं चलेगा, एकदम नहीं, 1 रुपया भी कम नहीं चलेगा।
ज़्यादा दो तो चल जाएगा। ऐसा मैंने कई बार देखा, 10-20 रुपये आप अकेला छोड़ देना और देखना कि रिटर्न करता है कि नहीं। कोई कोई लोग करता है, 100 में से 20 लोग करता है, 80 लोग करते ही नहीं, वो अपने जेब में डाल देते हैं। तो गाइस देख सकते हो कितना बड़ा सिग्नल है, चारों तरफ गाड़ी खड़े हैं, एक दो गाड़ी जा रहा है, रिक्शा भी जा रहा है, लेकिन बाइक्स वाला बहुत चांस मार रहा है। शायद मुझे लग रहा है 4-व्हीलर गाड़ी नहीं खरीदूंगा मुंबई, बाइक खरीदूंगा, कहीं भी निकल जा सकता हूँ। क्या बोलते हो गाइस? गाइस बुरा मत मानना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ और किसी का बदनामी नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छे काम कर रहा है उसके लिए अच्छे हैं, जो बुरा काम कर रहा है उनके लिए बुरा है ये वीडियो। तो गाइस बहुत सारे लोग बैंक में काम करते हैं, शायद उनको बुरा लगेगा। आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको बुरा लगेगा ही नहीं, अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो बुरा लगेगा। तो गाइस फिलहाल मेरा साथ हो रहा है, हकीकत में अभी भी हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है। 2 महीने से मैं एक अकाउंट बना नहीं दिया, अभी तक नहीं हुआ, मेरे को उधर उधर भगा रहा है, क्या बोलूँ अभी। तो गाइस इसलिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग बैंक में जाना चाहते हो तो अपना काम करके ही जाना, पार्ट टाइम टाइम मिला के जाना अपना काम करके, नहीं तो बैंक में जाके बैठे रहोगे पूरा दिन, आपका काम कब होगा कब नहीं होगा अता पता नहीं है। तो आपका पर्सनल काम जो था वो भी नुकसान, अब बैंक में जा रहे हो वो भी नुकसान, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो अपना काम करके ही बैंक में जाना। तो गाइस किसी का नाम नहीं लिया, बुरा मत मानना प्लीज़, जो अच्छा कर रहा है उनके लिए अच्छा है, जो बुरा कर रहा है उनके लिए बुरा है ये मैसेज। तो बुरा करके ये मैसेज सुन के बुरा लगेगा तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस ये वीडियो का बनाने का ये मतलब है कि आप कभी बैंक में जा रहे हो और आपको लगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आपको मेरा वीडियो का याद आएगा कि एक बंदा ने वीडियो पे बोला था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, शायद मेरा साथ भी हो रहा है। तो आप थोड़ा सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे, बस इसीलिए। तो गाइस आगे बढ़े रहो वीडियो पे। ये था एक कहानी, बैंक का कहानी। सीरियसली हंसी भी आता है, अच्छा भी लगता है, चलो टाइम पास भी हो जाता है, उधर उधर घूमने का मन भी नहीं करता है। एक चीज़ हाथ पे लेके, एक काम हाथ पे लेके उधर उधर जाता हूँ तो जाने का मन करता है, लेकिन कभी कभी बुरा भी लगता है। तो गाइस यही था मेरा आज का कॉमेडी ब्लॉग और कुछ जानकारी का ब्लॉग था ये। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना, एन एस ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, लेकिन गाइस एक बात कोई बुरा मत मानना प्लीज़ हाँ, आज के बाद मैं और जाऊंगा ही नहीं वहाँ पे अपना काम वाम छोड़ के। उनको मैं नंबर दे के आया, जब भी होगा तभी मुझे फ़ोन करेंगे और मैं जाके सिर्फ ले कर आऊँगा। अभी 1 महीना लगे 2 महीना लगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अभी जाऊँगा ही नहीं अपना काम छोड़ के, 2 महीना घूम चुका हूँ। ठीक है, तो गाइस वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना और NS ब्लॉग को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।